हेलो बच्चों, मैं हूं दीपसेश मौर्या और आप मुझे देख रहे हो मेरे YouTube चैनल दीपसेश सर पर। तो बच्चों, जैसा कि हमने पिछले दो वीडियो में आपको पढ़ाया था, आज तीसरा वीडियो शूटिंग हो रहा है। तो आइए इसको देखते हैं। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो उन दोनों वीडियो का इसमें निचोड़ रखता है, ठीक है। बहुत ही मायने वाली चीज़ें हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो हम बात करेंगे ग्रैंड फादर को अगर जो है शॉर्ट में कहें या संक्षिप्त में कहें तो इनको ग्रैंड पा कहते हैं, ठीक। फादर फादर को डैड और डैडी, डैड भी कहते हैं और डैडी भी कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। ग्रैंड मदर मीन्स दादी माँ को ग्रैंड माँ कहते हैं, ग्रैंड माँ, ठीक। छोटे चीज में मदर माँ को मॉम और मम्मी, मॉम या मम्मी कह के इंग्लिश में जब भी आप बात करेंगे तो बुला सकते हैं, ठीक। इसके बाद है चाचा, ताया, मामा, मौसा, फूफा। अब ताया का मतलब ये मत समझिए कि कोई नया चीज है, ताया का मतलब ताऊ, जो ही गांव में देहात भाषा में कहते हैं, ठीक है। इन सभी के लिए इंग्लिश में एक वर्ड यूज होता है अंकल, अलग से कोई वर्ड नहीं यूज होता, इनके लिए केवल एक वर्ड यूज होता है अंकल, ठीक। बाकी अगर दूसरे केस में कुछ स्पेशल दिया है तो उसके लिए अलग से बताया जाएगा, लेकिन इन सब के लिए आमतौर पे अंकल ही यूज होता है। चाची, ताई, मामी, मौसी, बुआ, इन सब के लिए इंग्लिश में एक वर्ड अंट, आंटी और आंटी, इसमें से जो चाहो आप यूज कर सकते हो, सबका मतलब एक ही है, प्रोनाउंसिएशन भी लगभग लगभग सेम है, ठीक। आदर सूचक शब्द, यदि कोई व्यक्ति है, ठीक है, पुरुष लिखा है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर वो सम्मानित व्यक्ति है या उसको सम्मान देना चाहते हैं तो हम जो इंग्लिश में बात करेंगे तो उसके आगे सर लगा के बात करेंगे, ठीक है, जिससे आपका व्यवहार उसके प्रति अच्छा पता चलेगा, ठीक। आदर सूचक शब्द किसी स्त्री के लिए करेंगे तो उसके लिए बोलेंगे मैडम, ठीक है, मैडम लगा के बोलेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा लगेगा और सामने वाला भी अच्छा महसूस करेगा। चचेरे, ममेरे, मौसेरे या फुफेरे, भाई अथवा बहन, इनको क्या कहते हैं, जो हमारे चाचा के, मामा के, बुआ के, मौसी के लड़के होते हैं या लड़कियां होती हैं, उनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कजिन। लेकिन केवल कजिन शब्द का उपयोग करेंगे, ये नहीं लिखेंगे कजिन ब्रदर या कजिन सिस्टर, ठीक है, उसके लिए जो है केवल कजिन लिखते हैं, ब्रदर और सिस्टर उसके साथ नहीं लिखेंगे, कजिन ब्रदर, कजिन सिस्टर, ब्रदर या सिस्टर नहीं लिखेंगे, ऑलवेज केवल कजिन लिख देंगे, ठीक, उसका मतलब हो गया, ठीक। विवाहित स्त्री के नाम के पहले क्या लगाया जाता है, मिसेस, ठीक है, मिसेस कहते हैं, ठीक। अविवाहित महिला के नाम से पहले मिस लगाया जाता है, ठीक है, मिस एक्स वाई जेड जो भी होंगे उनके पहले मिस लगाया जाता है। विवाहित और अविवाहित स्त्री के नाम के पहले यम यस आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक का बटन जरूर दबा के जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।